हाय गाइस, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? और आज का व्लॉग शुरू करते हैं बच्चों के हॉलीडे होमवर्क के साथ, जो कि हर मम्मीज़ और पेरेंट्स के लिए बहुत बड़ी हेडेक है। ऐसा नहीं कहना चाहिए, लेकिन ये है कि बहुत स्कूल वाले कुछ भी वर्क उठा के, कुछ भी प्रोजेक्ट उठा के दे देते हैं पेरेंट्स को, और बच्चों को तो कुछ समझ में नहीं आता है। बच्चों को तो कुछ करना होता भी नहीं है, सारा काम पेरेंट्स का होता है। सारा हॉलीडे होमवर्क जो होता है ये पेरेंट्स का होता है। तो खैर, मैं बच्चों को खुद ही पढ़ाती हूँ, ट्यूशन भी, सब चीज़ें, तो उनका हॉलीडे होमवर्क भी कराना मेरा ही काम है। तो ये मैं उनको हॉलीडे होमवर्क करवा रही हूँ, क्योंकि अब हॉलीडेज़ ख़त्म हो रही हैं। मेरे ब्लॉग ऑलरेडी बहुत लेट चल रहे हैं, तो सारे वीडियोज़ में मतलब लेट अपलोड हो रहे हैं। तो मैं इनको हॉलीडे होमवर्क करवा रही थी, तो वैसे ही मैं शूट कर लूँ। और ये जुहान मोबाइल देख रहे हैं, ये मोबाइल देखते नहीं हैं, लेकिन आज ये इनको स्पेशल हमने दे दिया, क्योंकि ये परेशान करते हैं। कुछ भी क्राफ्ट करना हो, कटिंग हो, चीज़ें हो, पेस्टिंग, तो ये आके फ़ौरन छीनते हैं कि हमें दे दीजिए, हम करेंगे। तो इनको इस चक्कर में हमने थोड़ा सा उलझाया हुआ है कि इनको काऊ बहुत पसंद है, बहुत फेवरेट है जुहान की, काऊ कॉक कहते हैं उसे वो। तो वो लॉयजन ने डाउनलोड करके दे दिया है, तो वो बस उसी को देख रहे हैं मोबाइल में। तो मैं इनका हॉलीडे होमवर्क कंप्लीट करवा रही थी, ज़ायरा और एंजेला का। लॉयजा तो माशाल्लाह से बड़ी हैं, तो वो अपना कर लेती हैं। तो बस मैं उनको बताती जा रही थी, जैसे उनको टीचर ने बोला था करने के लिए। तो इस तरीके से आप लोग भी करते होंगे, बताइएगा ज़रूर आप लोगों का, बच्चों का क्या होता है। आप लोग भी परेशान होते होंगे ना, मम्मी सारी मम्मी परेशान होती हैं वैसे तो, क्योंकि ये काम उन्हीं का होता है, हॉलीडे होमवर्क और पढ़ाई लिखाई सारी चीज़ें। तो ये एंजेला और लॉयजा ने तो अपना खुद कर लेती हैं, कर ही रही हैं वो भी अपना, और साथ में ये लोग कर रहे हैं। एंजेला कहने लगी मैं पढ़ के बताऊंगी मैंने क्या लिखा है, ये तो आप रिकॉर्ड करिएगा, शूट करिएगा। तो ये मैं थोड़ा सा यहीं मीना बाज़ार और पाकिस्तान बाज़ार और बहुत सारे बाज़ार के नाम से छोटे छोटे मार्केट आजकल खुले हुए हैं, छोटी छोटी चीज़ें बड़ी अच्छी सी मिल जाती हैं। कभी हुआ इंशाल्लाह तो उस पर भी ब्लॉग बनाएंगे और अपलोड करेंगे, आपके साथ शेयर करेंगे। तो ये फ़िलहाल मैं वहाँ से कुछ सामान लेकर आई थी, तो एक ये बर्तन के लिए जो है बास्केट, ये बहुत अच्छी लगी थी मुझे, एक ही डब्बी है। मैंने जो ऑरेंज पील होते हैं उनको ड्राई करके पीस के रखा हुआ है, ग्राइंड करके, तो मैं उसको भी दिखाऊंगी आपको इंशाल्लाह। ये मग मुझे बहुत अच्छे लगे थे, बस लेकिन दो ही थे तो मैंने ले लिए, क्योंकि मेरे किचन में ग्रीन ग्रीन बहुत है, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है ये फ्लोरेसेंट ग्रीन कलर। और साथ ही मैं बना रही हूँ खिचड़ी। लॉयजा एंजेला नानी के चली गई हैं, ये दो तीन दिन का इकट्ठा मैं आपको बता रही हूँ, ब्लॉग बनाया है मैंने, छोटे छोटे क्लिप्स एड कर लिए हैं। तो ये मैं खिचड़ी बना रही थी, क्योंकि लॉयजा और एंजेला तीन ही वो नानी के गई हुई हैं, ज़ायरा और जुहान मेरे साथ हैं, और साथ ही सासू माँ की मेरी तबीयत ठीक नहीं है। तो मैंने सोचा कि चलिए खिचड़ी बना लेते हैं, ये सबके लिए अच्छी रहेगी, जुहान भी खा लेंगे और अम्मी भी खा लेंगी। तो मैं वही बना रही थी, तो मैंने कहा चलिए आपको शेयर करती हूँ। शेयर मुझे खिचड़ी की रेसिपी नहीं करनी थी एक्चुअली, मुझे रेसिपी दूसरी शेयर करनी थी। मेरी फ्रेंड हैं, उन्होंने मुझसे कहा था, उनका फ़ोन आया था, तो बस वो लोग खुश होते हैं देख के, तो बोलते रहते हैं ये बताना वो बताना। तो कुछ चीज़ों के कमेंट्स वो कमेंट्स में बता देते हैं, कुछ वो पर्सनली मुझे फ़ोन करके कहते हैं कि मुझे शहला ये बताना वैसे वो बताना। तो बस मैं भी जब शूट कर रही थी तो मैंने कहा चलिए आपके साथ ये भी शेयर करते हैं, चटनी की रेसिपी भी शेयर करती हूँ साथ ही ये सब चीज़ें जो चल रहा था, तो मैंने कहा चलिए इसे भी शूट कर लेते हैं। तो ये मैं खिचड़ी बना रही हूँ, खिचड़ी में जो वाइट अच्छी नहीं लगती तो मैं उसमें हल्दी डालती हूँ। आप लोग कैसे बनाते हैं कमेंट्स करके बताइएगा ज़रूर। और साथ ही ये जो बर्तन थे, बर्तनों में किस कदर की बरकत होती है, एक बर्तन और एक कचरा जो होता है गार्बेज, ओफो, उसमें तो मतलब आप रोज़ आप कितना ही उसको साफ़ कर लें, आप घर कितना ही क्लीन करें, लेकिन फिर भी आपके कोनों में से कहीं से भी कचरा निकल के आ जाएगा। बच्चे भी इतने ज़्यादा कचरा करते हैं, और बर्तन भी इस कदर के होते हैं कि आप दिन भर भी धोएंगे तो भी आपके बर्तन ख़त्म होने वाले नहीं हैं। तो बस मैं यहाँ पे अपना काम जो है वो समेट रही थी, सारी चीज़ें जल्दी जल्दी, ताकि जुहान ज़्यादा परेशान कर रहे थे, दादी की तबीयत ख़राब थी, तो उनको साथ कोई खेलने के लिए नहीं था ज़ायरा के साथ, तो ज़ायरा ऑलरेडी खुद ही बोर हो रही थी, लॉयजा एंजेला नहीं थी,
तो वो भी बोर हो रही थी, तो ये लोग मुझसे मोबाइल मांगते हैं, लेकिन मैं मोबाइल देती नहीं, बच्चों के लिए अच्छी चीज़ नहीं है मोबाइल, आप लोग भी ना दिया करें। तो मैं भी बच्चों को थोड़ा दूर ही रखती हूँ मोबाइल वगैरह से। तो मैं अपना ये काम कर रही थी क्विक सा, तो मैंने थोड़ा सा शॉर्ट कर लिया उसको, और रेसिपी दिखाती हूँ आपको। तो ये खड़े लाल मिर्च की रेसिपी है, और उनको इस तरीके से आप जो डंठल होते हैं वो हटा दें, और साथ ही फिर उसमें लहसुन आप छील के भी डाल सकते हैं, लेकिन मैं छिलके के साथ डालती हूँ थोड़ा सा उसको, जो छिलका होता है उसको हटा के और मैं छिलके के साथ उसको डालती हूँ, और नमक डाल देते हैं, क्योंकि मुझे इसका छिलका जो होता है ना, फिर वो अच्छा कुरकुरा सा लगता है जब वो पक जाता है। ये देखिए इस तरीके से हमें दरदरा सा उसको, जैसे चिली फ्लेक्स होते हैं, बस इसको उनको पीसना है, और फिर उसके बाद हमें इसको फ्राई कर लेना है। अच्छा ऑयल अच्छा लेंगे हम इसके अंदर, तो हम इसको फ्राई कर लेंगे। तो ये बहुत अच्छी होती है, आप बना के रख सकते हैं, आप ऑमलेट फ्राई करें उसमें डाल दें, भाजी बना रहे हो कुल्फे की पालक की उसमें डाल दें, और आपकी चटनी बन रही है किसी भी चीज़ में, इसका टेस्ट इतना मज़े का लगता है ना, आप किसी भी चीज़ में आप इसको डाल के बनाएं, दही बघार रहे हैं, रायता बना रहे हैं, किसी भी चीज़ में, मतलब मैं मोस्टली ये बना के ही रखती हूँ अपने पास। तो मैं कुछ भी बनाती हूँ तो उसमें मैं सब्ज़ी वगैरह में ये ऐड कर देती हूँ, तो इसके इतने मज़े की लगती है। और आप ये खिचड़ी है, खिचड़ी के साथ भी आप इसको खाइए, तहारी के साथ भी खाइए, दाल चावल किसी के साथ भी खा सकते हैं, लेकिन हमारी मिर्च थोड़ी तेज़ है, आप लाइट वाली मिर्च लें तो ज़्यादा अच्छे से आप खा पाएंगे। बाकी ये बहुत अच्छी लगती है कुरकुरी सी, बहुत मज़े की, हम लोग को तो बहुत पसंद है, और मुझे बहुत पसंद है खिचड़ी के साथ। तो ये मेरी खिचड़ी भी रेडी हो गई थी, तो मैंने कहा चलिए जहन को खिला दें। और साथ ही मैंने उसी दिन बहुत सारे कपड़े भी धोए थे, क्योंकि ये बॉम्बे गए हुए थे तो ये वहाँ से आए, तो ये सब उनके ही कपड़े थे अकेले, बाकी जो हमारे अम्मी के पापा के बच्चों के कपड़े थे वो हमने अलग धोए, मतलब मैं 2 दिन कंटिन्यू कपड़े ही धुले हैं हमारे, क्योंकि बहुत ज़्यादा इकट्ठा हो गए थे अचानक से ही, तो थोड़ा थोड़ा करके ही कर लिया काम। तो बस ये कपड़े भी मैं अरेंज कर रही थी इनके, धो के सब चीज़ें, तो मैंने सब शूट कर लिया थोड़ा थोड़ा। और बाकी गाइज आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो करें, और वहाँ मैसेज करके बताएं आप जो भी बनाएं वहाँ पे अपलोड किया करें रेसिपी, मेरी रेसिपीज ट्राई करें। और बहुत शुक्रिया आप लोगों का इतना अच्छा सपोर्ट के लिए, सब्सक्राइब करने के लिए, लाइक कमेंट्स जो भी आप लोग करते हैं, शेयर करिए, स्प्रेड करिए अपनी फैमिली फ्रेंड्स के साथ में, और इसी तरीके से मुझे अप्रिशिएट करते रहिए अपने कमेंट्स के थ्रू, और मोटिवेट करते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए, और बड़ा अच्छा लगता है आप लोग उस तरीके से, इस तरह से मेरा साथ दे रहे हैं, मुझे पसंद कर रहे हैं, बहुत शुक्रिया आप सभी का। और इसी तरीके से मेरे साथ रहिए, दुआओं में याद रखिए। और साथ ही मैंने ये बनाए थे पसंदे, तो पसंदे की भी इसकी रेसिपी जो है पूरी डिटेल में आपको कुक लाइक शहला पे आपको मिल जाएगी, वहाँ पे मैंने अपलोड कर दी है, वहाँ से आप देख लीजिएगा। और ये बहुत मज़े के पसंदे बनते हैं, ये हमारी सास की रेसिपी है, उनसे मैंने सीखा है ये बनाना, तो मुझे बहुत पसंद आते हैं। तो मैं बना रही थी तो मैंने शूट कर लिया था आपके लिए कि आपके साथ शेयर करूँगी, क्योंकि मैं सोचती हूँ कि ब्लॉग में एक दो रेसिपी कुछ ऐसी डालें जिसमें मतलब कुछ यूज़ करना चाहे, बनाना चाहे, ट्राई करना चाहे तो कर सकता है। तो बाकी मेरे और फ्रेंड्स के भी जो डिमांड्स हैं वो भी इंशाल्लाह मैं जल्द से जल्द पूरी करूँगी। एक्चुअली मेरी खुद की भी तबीयत अभी ठीक नहीं थी तो मैं नहीं कर पाई हूँ अभी। लाल और हरी सी जो मिर्च दिख रही है बीच में, ये मेरे हस्बैंड ने रखी है, ये नींबू, ये थोड़ा सा उन्होंने करा था इस तरीके से, सजाओ गार्निश करो। और साथ ही ये मिला है मेरे जोहान, मेरे गोलू मोलो जोहान, मेरी जान को गिफ्ट मिला है, और तो बहुत खुश हो रहे थे, तो मैंने कहा चलो इनको शूट कर लेते हैं थोड़ा सा इनका भी, कि हमारे जोहान को क्या गिफ्ट मिला है। जोहान बहुत लाडले हैं सबके, बहुत मतलब सबके बहुत प्यारे हैं, सबको सबको बहुत प्यार आता है जोहान पे, सब लोग जोहान से बहुत प्यार करते हैं माशाल्लाह, क्रॉस माय फिंगर। तो अल्लाह पाक अच्छा रखे, खूब नज़रबंद से बचाए, हिफाजत में रखे। तो ये उनको बहुत प्यारी सी अच्छी सी टी शर्ट्स मिली थी, तो इंजला मेरी हेल्प कर रही थी कि लाइए मम्मा, क्योंकि मैं एक हाथ से कैमरा पकड़ी थी उसी से मैं शूट कर रही थी, तो वो मेरी हेल्प करने लगी कि लाइए मैं करती हूँ। तो ये उनको बढ़िया सी टी शर्टें मिली हैं, बहुत तो उनको गिफ्ट मिलते ही रहते हैं ऐसे तो कोई ना कोई। तो ये नितेश हैं,
उनके भाई के दोस्त, तो उन्होंने ये उनको गिफ्ट किया है। ये वे जीनत लेकर आई हैं उनके लिए बहुत प्यारी सी वॉचेस, लेकिन वॉचेस उनके हिसाब से काफ़ी बड़ी हैं, बट ये जीनत अपी को उन पर बहुत मोहब्बत आती है, तो बस वो नहीं देखती कि वो उनके आएगी या नहीं आएगी, बस उनको तो बस लेना होता है तो वो ले लेती हैं। तो ये बहुत प्यारी सी वॉचेस हैं, बट तो दोहन अभी नहीं पहन पाएंगे, दोहन छोटे हैं इनके लिए, बट रखेंगे इंशाल्लाह, हम संभाल के पहनाएंगे फिर आपको दिखाएंगे। और साथ ही ये बच्चे भी आजकल कुकिंग का शौक रखने लगे हैं, और पता नहीं क्या क्या DIY और खुद से कुछ भी करते रहते हैं। तो ये बस मैं एकदम किचन में गई तो ये बच्चे कुछ ना कुछ में लगे हुए थे, मैंने देखा तो मैंने शूट किया, मैं जल्दी से मैं गई क्या हो क्या रहा है, तो बस लगे हुए थे ये सब अपने आप से ही कुछ। ये ग्लूकोज के बिस्किट हैं, हमारे यहाँ बच्चे शौक से खाते हैं और हम जोहान को भी देते हैं, और जितनी भी मम्मीज़ हैं सुन रही हैं तो वो भी अपने बच्चों को अपने मतलब अगर बॉटल पीते हैं वो लोग बॉटल में फिल्टर देते हैं तो उसमें आप डाल दीजिए तो वो अच्छे से भूल जाते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं। बाकी बच्चों के लिए बहुत फ़ायदेमंद है, खुद डॉक्टर भी रिकमेंड करते हैं कि आप दे सकते हैं, अच्छे होते हैं, तो दिया करें आप सब अपने बच्चों को। बाकी और बिस्किट्स के मुकाबले ये बिस्किट अच्छे होते हैं, तो हमारे यहाँ बच्चे खाते हैं शौक से, देते हैं हम जोहान को भी बच्चों को भी। तो ये हमारे यहाँ देखिए बटर लगा के ग्लूकोज के बिस्किट के बीच में एज अ क्रीम खा रहे हैं लोग, बड़े शौक से मज़े ले लेंगे। और ये बहुत देर तक चलता रहा इनका ये प्रोग्राम जो ये सब कर रहे हैं, ये देखिए ये लोएज़ा सिखा रही हैं सबको ये सब चीज़ें कि ऐसे ऐसे करिए। और साथ ही इसके कि अब स्कूल खुलने वाले हैं, तो बस स्कूल की तैयारी की थोड़ी सी शॉपिंग के लिए हम निकले थे तो उसको भी मैंने शूट किया है, देखिए। इधर देखो प्यार और जोहान हम फर्स्ट टाइम गए थे हमारे साथ इस तरह से, और ये सामान हम लेकर आए तो ये आके हमारे साथ हैं, जल्दी से मैं लाइए शूट कर लेते हैं थोड़ा बहुत। तो बस जोहान इस तरह से आजकल काउंटर पे बैठ जाते हैं ऊपर चढ़ के, और बहुत परेशान करते हैं कि चीज़ उठा उठा के वहाँ से फेंक रहे थे। ये तो मैं ग्लास लेकर आई थी और ये सब चीज़ें बच्चों के जो खाने पीने के स्नैक्स वगैरह हैं वो, और ख़ासकर तो मुझे ये ग्लास जो हैं ये बहुत अच्छे से लगे थे तो मैंने ले लिए। बाकी ग्लास आजकल हमारे यहाँ बहुत टूटते हैं, और ये बच्चों के लिए कि अभी स्कूल है चाहिए रहता है टैप वगैरह, तो ये सेलो टैप मैंने लिया था, ये ग्लास उल्टा रख गया था ये डब्बा, तो वो सही से मैं कर ही नहीं पाई थी, फिर मैंने कहा चलिए आप ग्लास निकाल के दिखा देती हूँ मैं। तो ये बहुत प्यारा सा क्रिस्टल ग्लास है, बहुत अच्छा लग रहा था, काफ़ी हेवी वेट भी है और अच्छा है, क्या कहना चाहिए उसको, मतलब अच्छा है, मतलब मजबूत लग रहा है। बाकी देखते हैं फेंक के जब बच्चे तोड़ेंगे, नहीं टूटेगा तो समझ में आएगा कि वाकई में कितना मजबूत है। और ये छोटी सी चुन्नी मुन्नी सी मुझे एक कढ़ाई अच्छी लगी, क्योंकि मेरा फ्राई पैन बहुत ज़्यादा ख़राब हो गया, उसका हैंडल भी निकल गया, तो मैंने सोचा ये ले लें। और ये हबी ने लिया है अपने लिए कॉम, और बाकी ये मैंने लिया था थोड़ा सा अपने जो लिपस्टिक्स हैं और आपके ब्रशेज होते हैं, आपके काजल होते हैं सबके लिए। और साथ ही ये ली थी मैंने कुछ प्लेट्स, मुझे बिल्कुल अलग अलग से मिल गई थी, वरना तो ये होता है कि आपको पूरी लेना पड़ेगी, 12 लेना पड़ेगी, एक दर्जन लेना पड़ेगी, वो लोग डजन के हिसाब से देते हैं, तो वो सिंगल में बड़ी अच्छी मिल रही थी, तो मैंने कहा चलिए डेली यूज़ के लिए हो जाएंगी और बाकी मुझे चाहिए होगा कभी शूट करने के लिए तो उसमें भी काम आ जाएगी, क्योंकि बच्चे बहुत आजकल क्या होता है कि कांच की चीज़ें होती हैं बच्चे क्या बड़ों से भी टूटी जाती हैं। तो ये वाटर बॉटल्स ली थी बच्चों के लिए, टिफ़िन लिया है मैंने ये, और टिफ़िन एक लिया था, बाकी रखे थे इन लोगों के पहले से, लेकिन बाकी सब भी वो हो गए कि नहीं 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 हमें तो नहीं चाहिए, वो तो पुराना हो गया एक महीने, मतलब स्कूल खुलने से पहले, अभी जो छुट्टियों से पहले लिए थे तो वो इतने में ही पुराने हो गए कि अभी नया आ गया तो मतलब नया चाहिए। और ये मेरे डियर हैप्पी ने मुझे दिया था एक सरप्राइज़ पिज़्ज़ा, मैंने उनसे वैसी फरमाइश की थी कि यार पिज़्ज़ा खाना है, डबल चीज़ पिज़्ज़ा हमारे यहीं पास में घर के, बड़ा अच्छा सा एक रेस्टोरेंट है फास्ट फूड, तो वहाँ पे बड़ा अच्छा मिलता है, तो बस उनको याद रहा तो वो ले आए थे मेरे लिए। तो फिर नाइट में हम लोगों ने यही खा लिया था, हम लोगों ने क्या मतलब मैंने खा लिया था ये, तो अब बस मैंने कहा चलिए शूट करते हैं थोड़ा सा दिखाते हैं, यम्मी सा डबल चीज़ पिज़्ज़ा काफ़ी अच्छा टेस्टी दिख तो रहा है, वैसा ही था। और साथ ही हम जा रहे थे अम्मी के यहाँ, यानी जोहान की नानी के यहाँ, तो हमने रास्ते का वो भी शूट किया, और
बच्चे ये पीछे बैठे हुए हैं, लेकिन मेरा ध्यान पूरा बच्चों की तरफ है। आप लोग कहेंगे ज़रूर कि ये बहुत गलत बात है, अनसेफ है, बट मेरा पूरा ध्यान बच्चों पे रहता है और बच्चे बहुत इंजॉय करते हैं। आपको देखिए जोहान, हे जोहान हाय करो, से हाय इधर। नानी क्या कह रहे हैं? अच्छा हाय तो करिए, हाय से हाय इधर। जोहान आर यू हैप्पी? जोहान हैप्पी कैसे होता है? ऐसे बैठ जाइए ना, गुड बॉय। क्या हुआ जायरा? वेर आर यू गोइंग बोथ ऑफ यू? गोइंग टू नानी? मस्ती हाँ, मस्ती टाइम। इसी के साथ चलिए करते हैं ब्लॉग का एंड। और सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ कर लें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स करके मुझे बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।